हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर का मिनी गोवा रेडाना। बाड़मेर में अच्छी बरसातों के बाद रेडाना का रन इन दिनों काफी चर्चित पर्यटक स्थल बनकर उभर रहा है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ इसे किसी समुद्र तट जैसा बना रही है। यही वजह है कि पिछले माह भर यहाँ लोगों का जमावड़ा नजर आता है। सैकड़ों लोग यहाँ मौज मस्ती और सैर सपाटा करने पहुँच रहे हैं। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, क्योंकि जो रेगिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसता है, वहाँ अथाह जल राशि एकत्रित होना ताज्जुब की बात है। नजारा ऐसा कि जैसे गोवा का कोई समुद्र बीच हो। इसी वजह से आसपास के सैकड़ों लोग रोजाना यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। रेडाना का रन जिला मुख्यालय से मात्र 50 किलोमीटर और भारत पाक सरहद से 60 किलोमीटर दूर है। गडरा रोड पंचायत समिति का ये गांव सरहदी जिलों के अन्य गांव की तरह ही है। यहाँ भी दूर दूर तक सिर्फ रेत का समंदर है और बेहद कम बारिश वाला इलाका है। गर्मी के दिनों में यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को छू जाता है। सबसे विशेष बात ये कि रेडाना गांव की मिट्टी और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ इसे गोवा जैसा बना रही हैं। रेडाना गांव के पहाड़ों से घिरे होने के कारण यहाँ की मिट्टी चिकनी है और 2 फीट नीचे है, जो पानी को कम सोखती है। ऐसे में बरसाती मौसम में यहाँ के रन में पानी भर जाता है और किसी समुद्र तट जैसा नजारा रेगिस्तान में देखने को मिलता है। इस बार जिले में अच्छी बरसात के बाद रेडाना रन में अच्छा खासा जल भराव हो गया है, जिसके बाद से ही आसपास के गांव के लोग समेत अन्य जिलों के लोग भी इसे देखने के लिए उमड़ रहे हैं। अधिकतर शाम के समय यहां सैकड़ों लोग मौज मस्ती करते देखे जा सकते हैं। कई लोग यहां अपने परिवारों के साथ पिकनिक मनाने भी पहुँच रहे हैं। यहाँ आने वाले लोगों की माने तो यहाँ का नजारा किसी समुद्र तट से कम नहीं है। लोगों के अनुसार सरकार एवं स्थानीय प्रशासन रेडाना रन को लेकर काम करे तो आने वाले समय में ये बाड़मेर का अच्छा पर्यटक स्थल बन सकता है। यूं तो राजस्थान के कई गांव कस्बों के तालाबों, नदी, जोहाड़ में साल भर या उससे अधिक समय तक बरसाती पानी भरा रहता है, लेकिन रेडाना कब समतल रन में ये बरसाती पानी करीब 6 माह तक भरा रहता है। लेकिन पहाड़ियों से घिरे रेडाना गांव में ये 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले रन में जल भराव होना किसी खूबसूरत नजारे से कम नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ इस पर पहचान दिलाने की, ताकि इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने के साथ और सुंदर बनाया जा सके। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।